हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की रेमेडी सबसे ज़्यादा स्पेशल है उन लोगों के लिए अगर आपके बाल देखे झड़ गए हैं, सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, बालों में कोई वॉल्यूम नहीं है, तो सबसे बेस्ट रेमेडी लेकर आई हूँ। जो ये आप पाउडर मेरे हाथ में देख रहे हो ना, ये चिकपी का पाउडर है। अब आप कहेंगे चिकपी क्या होता है, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस तरह से ये जो काबुली चने होते हैं इसे चिकपी कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मिक्सर ग्राइंडर में इसका एक फाइन पेस्ट पाउडर बना करके रेडी कर लिया है, जिस तरह से आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। और इसी का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर बालों में कोई भी डेफिशिएंसी है ना, तो चिकपी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए और जिंक पाया जाता है जो कि फाइट करता है डैंड्रफ से। और इसमें मैग्नीशियम भी बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाती है, जो बालों को एकदम स्ट्रेंथन देती है। बालों को स्ट्रेंथन देने के साथ साथ में आपके बालों को प्रिवेंट करती है हेयर लॉस से। अगर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है तब भी ये फ्रेंड्स बहुत अच्छे से काम करती है। पूरे बालों पे इसे अप्लाई करना होता है। तो हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग चिकपी पाउडर ले लिया है और इसका यूज़ करना हम शुरू कर देंगे, तो हमारे बाल जो है ना वो काले लंबे और घने होना शुरू हो जाएंगे। 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग आपको लेमन का जूस ले लेना है, जैसे आप देख सकते हो। इसे आपको ऐड करना है, ये हमारे बालों के डैंड्रफ को रिमूव करती है। देखिए जो बीज है उसे नहीं लेना है दोस्तों, और हमें इसी तरह से बनाना है। अच्छी तरह से लेमन को आप चिकपी में इस तरह से मिक्स कर लीजिए। तो आप 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग लेमन ज़रूर लें, जिससे कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होती और जो हमारे बाल हैं वो काले होते हैं लेमन की वजह से। बट ये जो इंग्रेडिएंट है आपको इसमें मिक्स करना है, ये कंपल्सरी। जब इसका कंपोजिशन आप रेडी करोगे तो ही इस तरह से आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो इस तरह से हमने चिकपी पाउडर ले लिया, लेमन ले लिया है यहाँ पे। और मैं आप लोगों को दोस्तों बताऊँ, एलोवेरा लीफ अगर मिल जाए, एलोवेरा लीफ पाउडर, तो आप ज़रूर ले लीजिए। ये इजीली आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे एल्ब्स गुडनेस का यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे बालों से जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं उसे दूर करता है, बालों को सूथ प्रोवाइड करता है, मॉइस्चराइजिंग करता है, एंड इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी पाया जाता है। इसीलिए ये हमारे बालों को तेजी से लंबा करता है, हमारे बालों को ये हेयर ग्रोथ के लिए प्रमोट करता है, हमारे बालों की पीएच लेवल को मेंटेन करता है, स्कैल्प में जो इन्फेक्शन होते हैं उसे दूर करता है, हमारे स्कैल्प की इलास्टिसिटी को ये प्रमोट करता है। तो इस तरह से आपको एलोवेरा ले लेना है। यहाँ पे जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से इस रेमेडी को बनाएं। यहाँ पे 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग एलोवेरा लीव्स आप ले लीजिए। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा लीव्स है तो फ्रेंड्स आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं इस रेमेडी में। तो इस तरह से पाउडर मिल जाए तो पाउडर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो 1 टेबल स्पून आपको यहाँ पे एलोवेरा लीव्स के पाउडर भी ऐड कर देने हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगी आपको, जो कि है यहाँ पे पोटैटो पाउडर, जो हम अपने स्किन और हेयर दोनों पे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हर्ब टॉनिक का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का पोटैटो पाउडर ले सकते हैं। पोटैटो पाउडर इजीली हमें मार्केट में मिल जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है हमारे स्किन से, जो पिगमेंटेशन दाग धब्बे होते हैं उसे तो दूर करती है, साथ ही साथ हमारे जो बाल हैं उसकी मेलानिन को इंक्रीज़ करती है। तो इस तरह से आपको पोटैटो पाउडर मिल जाएगी दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इसका लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, तो आप मुझे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगी। तो इस तरह से आपको 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग पोटैटो पाउडर भी ले लेना है। अगर आपको पोटैटो पाउडर नहीं मिलती है तो आप यहाँ पे पोटैटो का जूस भी ले सकते हैं, 1 से 2 टेबल स्पून। आप अपने हेयर लेंथ अकॉर्डिंग लीजिएगा, मेरे बाल जितने बड़े हैं मैं उतने ही ले रही हूँ। तो इस तरह से इस रेमेडी को हम एक नेचुरल हेयर डाई बना करके रेडी करने वाले हैं। जो नेचुरल हेयर डाई होते हैं वो हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, आप सभी जानते हैं। और इस तरह से ही नेचुरल हेयर डाई बनाएं, ताकि आपके बाल जो है वो स्वस्थ और स्कैल्प स्वस्थ रहेगा, तो आपके जो बाल हैं वो जल्दी से सफ़ेद नहीं होंगे। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगी, हम यहाँ पे लेंगे रतन जोत पाउडर। जी हाँ दोस्तों, साउथ में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है रतन जोत, जो कि ये एक मसाले, आप मसालों के नाम से भी आप इसे जानते होंगे, मसालों में सबसे फेमस है ये रतन जोत पाउडर। आप इसका पाउडर भी ले सकते हैं, पंसारी की दुकान पे ये इजीली आपको मिल जाती है। मैंने यहाँ पे एल्प्स गुडनेस का लिया है, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। इससे हमारे जो बाल है प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर है वो इसे प्रिवेंट करता है। अगर आप अपने बालों को प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर को उसे प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप रतन जोत ज़रूर लेकर आएँ।
जिससे कि आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। और ये एक ऐसा औषधीय गुणों वाला कंटेंट पाया जाता है इसके अंदर, जिससे कि बालों की स्ट्रैंड्स अच्छी हो जाती है। जब हमारे बालों की स्ट्रैंड्स अच्छी होती है तो हमारे बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं और बालों में स्प्लिटेंट्स की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको स्प्लिटेंट्स की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मॉनसून सीजन है, हम अपने बालों जैसे ही स्प्लिटेंट्स होना शुरू हो जाते हैं तो बालों को हम जाते हैं पार्लर में कटवाने बेवजह। बट ये सारी प्रॉब्लम ना हो, हम इसे प्रिवेंट भी करके रखें, बाल सफ़ेद ना हो, तो हमें यहाँ पर रतन जोत का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग आपको रतन जोत पाउडर ले लेना है। इसमें नेचुरल कलर मिलते हैं, नेचुरली ये हमारे बालों को प्रिवेंट करते हैं सफ़ेद होने से। जो वाइट हेयर की प्रॉब्लम है वो नेचुरली टर्न हो जाते हैं ब्लैक हेयर में। तो बस हमें इन सारी चीज़ों का यूज़ करना है। आप फ्रेंड्स यहाँ पे गर्म पानी लेंगे, या फिर आप यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो कॉफ़ी का कोकोशन। यहाँ पे सिर्फ देखिए कॉफ़ी अगर ऐड नहीं करेंगे अगर आप तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रतन जोत लिया है, ये हमारे बालों को सिल्की सॉफ्ट और शाइनी बनाती है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा हल्का लूक वार्म वाटर। लूक वार्म वाटर आपको क्यों लेना है, क्योंकि हम इस रेमेडी को तुरंत बनाएंगे और तुरंत अपने बालों पर इसे अप्लाई करेंगे। तो थोड़े देर के बाद मीन्स आपको 10 मिनट्स तो इसे रेस्ट करने के लिए रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़ किया है काबुली चने का पाउडर। जी हाँ दोस्तों, जो काबुली चना होता है ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, चिक पी जिसे कहा जाता है। तो ये हमारे बालों को बहुत ही तेज़ी से काला बनाती है, इसका यूज़ आप एक बार ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसमें लूक वार्म वाटर ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से पानी को इसमें ऐड करना है, ताकि इसका जो एप्लीकेशन है एकदम स्मूथ हो जाए और इसे इजीली आप अपने बालों पे अप्लाई कर सकें। ये देखिए फ्रेंड्स, इंस्टेंटली अगर आप अपने बालों को ब्लैक करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है। इसे आपको अगर देखिए ओवरनाइट रखोगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और इसे आप अगर तुरंत लगाना चाहते हैं बालों पे तो इसे ज़रूर अप्लाई करें। वीक में आप इसे 2 टाइम्स इस प्रोसीजर को ज़रूर करिएगा। इसे क्या होगा, आपके बाल बहुत ही अच्छे सिल्की सॉफ्ट और शाइनी होंगे, और आपके बालों में जो भी आप गंदगी है, धूल मिट्टी पोल्यूशन की वजह से जो बाल झड़ गए हैं वो नए बाल उगाने का काम करेगी। तो इस तरह से देखिए इस सोल्यूशन को, इस पेस्ट को आपको रेडी करना है और इसे अपने बालों पर अप्लाई करना है। दोस्तों सबसे बेस्ट रेमेडी है ये, एक बार ज़रूर यूज़ करिएगा। आपका फीडबैक मुझसे शेयर करिए। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं @mumbaikarbindu, और मेरी ऐसी 2 चैनल और भी है जो कि आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। मेरी एक ब्लॉगिंग चैनल है मुंबई कर बिंदु, और एक मेरी चैनल है बिंदु का फैशन। आपको अगर ऐसे वीडियोज़ देखना पसंद है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और फ्रेंड्स मिलती हूँ मैं आपको ऐसे ही बहुत सारे यूजफुल होम रेमेडीज एंड DIY के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी हाँ, क्वेश्चंस तो आपके आएंगे। मैं यहाँ पे टाटा बाय बाय बोलने से पहले आप लोगों को ये भी बता देती हूँ, इसे आपको अप्लाई करना है कम से कम 35 से लेके 40 मिनट्स के लिए अपने बालों पे रखना है। उसके बाद अपने बालों को धो लीजिए हर्बल या फिर माइल्ड शैम्पू से। कुछ ही दिनों में आप दोस्तों देखोगे कि आपके जो बाल है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएंगे, बालों में वॉल्यूम आ जाएगी, और हेल्दी हेयर पाना किसे नहीं पसंद है। साथ ही साथ आपके जो ब्लैक हेयर की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।